Hello everyone, namaste, welcome or welcome back to this channel. This is Nita Joshi, hope you are doing great and I staying safe. आज मैं आपका शेयर करने वाली हूँ एक बिगनर फ्रेंडली मेकअप किट एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स आर अंडर 100 rupees. एक दो प्रोडक्ट हैं जो 115-114 के आसपास गए हैं बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. दिस किट कंटेन्स ऑल द प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेरी बेस टिल द वेरी एंड. सो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग एंड ब्लैबरिंग लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो. हम स्टार्ट करेंगे एक क्लीन फेस के साथ एंड यू कैन सी आई हैव नथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ. द फर्स्ट थिंग आई विल बी अप्लाइंग ऑन माय फेस इज अ मॉइस्चराइजर. दिस वन इज फ्रॉम वादी हर्बल्स. ये वादी हर्बल्स का बैम्बू एज डिफाइंग मॉइस्चराइजर है विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स. इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, आई कैन अश्योर यू दैट. बट एक इशू हो सकता है, वो ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी ज़्यादा ओवरपावरिंग है और थोड़ी सी वेयर्ड है. Face done, moving on to the lips, I am using Blue Heaven ka lip balm, that's about it. Now, next time move karenge primer pe, uske liye main use kar rahi hu Patanjali ka aloe vera gel. It is a very good aloe vera gel, especially if you use it as a primer. But make sure ye apply karne ke baad aap thodi der apni skin ko rest karne do, uske baad aap next step pe chalenge, that is foundation. Iske liye I am using LA 18 ka foundation in the shade Pearl. एंड यू कैन सी कि ये बहुत अच्छी से ब्लेंड होता है स्किन में. यहाँ पे मैंने ना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करी है ना मैंने कुछ कट कराया. एंड यू कैन सी इन रियल टाइम ये कितने अच्छे से ब्लेंड होता है और इसकी कवरेज शीयर टू मीडियम है. अगर आप ज़्यादा अप्लाई लाइक दो लेयर अप्लाई करोगे तो आपको मीडियम कवरेज मिल जाएगी एंड अगर आप कम अप्लाई करोगे तो आपको शीयर कवरेज मिलेगी. एंड एट दिस प्राइस जस्ट इन 100 rupees इट इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन, आई कैन अश्योर यू दैट. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग इनसाइड का कंसीलर इन द शेड सीक्रेट सैंड एंड ये थोड़ा सा इसमें येलो अंडरटोन है तो ये मेरी स्किन टोन से बहुत परफेक्टली मैच होता है, स्पेशली टू हाइड माई डार्क सर्कल्स एंड कोई ऐसे स्पॉट हो तो उसके लिए. दिस इज़ अ टिप यू कैन ट्राई जब आप कोई भी अपना कंसीलर बाय कर रहे हो. इफ़ यू हैव पिगमेंटेशन अराउंड योर फेस या अंडर आइज पे तो यूज समथिंग दैट हैज़ येल्लो और ऑरेंज अंडरटोन टू इट. एंड यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करा है, मैंने थोड़ा सा ही अप्लाई करा है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. यू डोंट नीड टू लेयर योर स्किन विद अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. नाउ एज यू कैन सी माई पिम्पल इज स्टिल नॉट कवर्ड तो इसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट्स, यू कैन चेक इट आउट. अदरवाइज जस्ट अप्लाई थोड़ा सा कंसीलर एंड लीव इट फॉर 5 मिनट एंड देन ब्लेंड इट आउट. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दैट इज़ कॉन्टोरिंग. इसके लिए आई एम यूजिंग NYBA का कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टिंग स्टिक. इट इज़ अ वेरी गुड एंड अफोर्डेबल स्टिक, ये आपको बहुत सारे कलर्स में ही मिल जाएगी. यू कैन यूज़ इट एज अ फाउंडेशन एज अ कंसीलर वट एवर यू विश टू. नाउ आई हैव अ हैक फॉर गर्ल्स. इफ़ यू हैव स्मॉलर लिप्स लाइक मी ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई योर कंसीलर ब्लो योर लोअर लिप लाइक आई एम डूइंग. उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना, इंस्टेंटली यू विल सी द रिजल्ट्स कि हल्के से आपके लिप्स फुलर लगते हैं. मूविंग ऑन टू द ब्लश, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का ब्लश पैलेट. ये एक ब्रश के साथ भी आता है. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट इट इज़ वेरी पिगमेंटेड, यू कैन सी दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट आउट तो थोड़ा सा मैस हो गया था एक साइड पे, बट नो वरीज आई टेल यू हाउ टू फिक्स इट बाद में, पहले वील जस्ट अप्लाई इट. लाइक अप्लाइंग ब्लश नोज पे भी इज जस्ट समथिंग आई लाइक. Now let's fix the other side. Just take your beauty blender and dab it all over your blush. Thode time baad your blush will just settle down and it will look good. Face almost done. Let's move on to the eyes. पर उससे पहले let's just use थोड़ा सा translucent powder under the eyes ताकि हम जो आई शेडो अप्लाई करें उससे फॉल आउट हो तो बच जाए और मैं जितना बच रहा है ब्रश पे उसको अपने टी जोन पे ब्रश कर ले रही हूँ. For the eyeshadow, I am using MARS की matte palette and trust me, this one is for 99 rupees. Yes. And it is pigmented, like for real. This was my first time trying it out and I was just impressed by this. Since it's also a makeup tutorial, उसकी बात कर लेते हैं. मैंने कुछ ज़्यादा fancy नहीं करा है, मैंने brown shade को लेके अपने outer V पे place करा है और उसी को पूरे transition लेकर पूरे eyes पे blend कर रही हूँ. ऑल्सो लोअर लैश पे भी कर रही हूँ. देन आई एम यूजिंग अ ब्राउन मेटेलिक शेड, नॉट मेटेलिक, ब्राउन शिमरी शेड और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर ऑफ द लिड तक अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद आई एम टेकिंग द सेम ब्रश और उसे
जो हार्श कॉर्नर है उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, दैट्स अबाउट इट। एंड देन आई एम ब्रशिंग ऑफ द पाउडर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईब्रोज। उसके लिए आई एम यूजिंग मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन एंड इट इज़ अ वेरी 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 गुड आईब्रो पेंसिल। अगर आपकी आईब्रोज मेरे जितनी डार्क जेट ब्लैक हैं तो आई सजेस्ट कि आप ब्राउन तो बेसिकली यूज़ करो पर उसके साथ हल्का सा ब्लैक भी यूज़ करो, उससे थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है आपकी आईब्रोज। एंड देन आई एम यूजिंग अ स्पूली एंड ब्रशिंग इट ऑल आउट ताकि थोड़ा जो हार्श लाइन्स वगैरह है वो अच्छी से ब्लेंड हो जाए। एंड दैट्स अबाउट इट। यू कैन सी हाउ मच बिग ऑफ अ डिफरेंस आईब्रोज मेक। आई एम यूजिंग अ सिंपल रोज वाटर टू सेट ऑल द पाउडर्स। चलते हैं हाइलाइटर पे। उसके लिए आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का मैट शिमर ब्लश। इट इज़ बेसिकली अ ब्लश बट इट वर्क्स रियली वेरी गुड एज अ हाइलाइटर और बहुत नेचुरल भी फील आता है, सो यू कैन कंसिडर बाइंग दिस वन। लास्ट लेट्स मूव ऑन टू द लिप्स। आई एम यूजिंग ब्लू हेवन की लिपस्टिक इन द शेड प्लम डिजायर एंड आई एम टॉपिंग इट ऑफ विद इनसाइड का लिप ग्लॉस इन द शेड टेम्पटेशन। एंड दिस इज हाउ द कम्प्लीट लुक टर्नड आउट। I am really in love with this simple, easy and affordable makeup. Like, और चाहिए क्या? And you can also do this makeup with your Indian as well as your Western outfit. ये दोनों के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। So this was all about today's video. I really believe it will be helpful for someone out there who is just starting their makeup journey. And I hope you liked today's video. If yes, you know the drill. Like, share and subscribe to this channel. Also hit the bell icon if you happen to subscribe and also comment down below how you like today's video and what else you want to see from my side. I'll see you in my next one. Until then, keep spreading love and positivity.